देवताओं ने जाकर के भगवान के दर्शन की खुदी दिल में नहीं रखी, दूसरों को बताई। और हम इतने निकम्मे रहते हैं कि हम बुरी बात को छुपा नहीं सकते और अच्छी बात किसी को बताते नहीं। आज हमने कथा में क्या सीखा किसी को नहीं बताएंगे, आज हमने क्या देखा कथा में वो सबको बताएंगे। आज वो आई थी, आज वो आए थे, आज वो आई थी, आए थे आई थी पे बड़ा नजर है, पर इंद्रदेव 5 घंटे क्या कहता है उस पर किसी का ध्यान नहीं। क्यों ध्यान क्यों नहीं, सुनो ना, ध्यान तो तब रहेगा जब रोटी सब्जी दाल भात से पीछा छूटे, कथा में से जाते से ही वहां कथा नीचे दब जाती है, ठूस के भर लेते और ऊपर से एक्वा का पानी पी लेते फिल्टर का, फिर कथा कहां, नाभि के नीचे कथा चली गई, बताओ कहां रहेगी फिर वो कथा। हाँ, ओ राजस्थान की मम्मा, पहले हम रोटी बनाते थे तो रोटी बना बना के छबड़ी में रखते चले जाते थे, तो पहली जो रोटी बनती थी शाम तक वो रोटी खाने वाला ही नहीं आता था, रोटी के ऊपर रोटी, रोटी के ऊपर रोटी, तो सबसे पहली वाली सबसे नीचे, तो 1 बजे आकर जो कथा सुनते हैं वो सबसे नीचे और 5 बजे के बाद जो चावल ठूसते वो सबसे ऊपर, फिर घर जाते तो बाद वाला याद आता है, ओ ओ वो ही डकार मारते रहते चावल भात और सब्जी की, कथा की डकार खत्म, क्योंकि वो नीचे और रोटी चावल। राजस्थानी कथा है, मैंने कल ही कह दिया, वो तो भला मानो महाराज के कोई भजन तप थोड़ा बहुत काम कर रहा है, नहीं तो ये कॉफी चाय पिलाने में भी पीछे नहीं हटते, बीच कप कथा में, हाँ साहब चाय, हाँ जी कॉफी, हाँ जी चाय, हाँ जी कॉफी है। परसों क्या मजाक मजाक में कहा था, सेठ जी सेठानी की गांठ मार के बैठे साड़ी में हवन में, ओम स्वाहा स्वाहा, पत्नी के साथ गांठ मार के ओरिजिनल यजमान बन के बैठा है हवन का, पर बहुत बुरी बात है, क्या बताऊं मैं आपको, एक लुगाई का ब्याह हो रहा था, लुगाई बोले तो छोरी का, लुगाई बनने की तैयारी चल रही है ब्याह होना, आप सब जानते ही, जैसे फेरे चल रहे, फेरे पंडित जी ने कहा उठो फेरे पे जाना, उठो फेरे पे जाना, उठो। अब छोरी बिल्कुल नीचे को गर्दन डाल के बैठी, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा पूरा हो गया, पंडित जी को कहते कहते अरे बेटी ऊपर देखो, फेरे करने फेरे ऊपर देखो, तो कुछ लोग बोल रहे महाराज वो बहुत शर्मीली है, हम जब से ही देख रहे हैं 2.5-3 घंटे से, नीचे जब से देखा तब से ऊपर ही नहीं देख रही है, वो इतनी ज्यादा शर्मीली छोरी है, लाजवंती है। पंडित जी ने कहा फेरे तो लेने ही पड़ेंगे ना, लाजवंती हो या जैसे भी हो, अरे ऊपर देखो। बाद में पता चला वो छोटी बहन आई दुल्हन की, उसने कहा लाजवंती नहीं है, व्हाट्सएप पे लगी पड़ी है फेरों पे। हाँ, उसने शर्म के मारे नीचे थोपड़ा नहीं किया हुआ है, दोनों टांगों के बीच में भोरजी रखा हुआ है। पंडित जी को भ्रम हो गया कि छोरियां ब्याह में थोड़ी शर्मीली रहे, नीचे को कर ले गर्दन, पर असलियत पता चला कि वहां शर्म का कोई लेना देना नहीं है, भोरजी की वजह से पति जी को भूली बैठी। अरे फेरों का क्या, कल सुबह हो जाएंगे, पर व्हाट्सएप का माल है वो तो फटाफट। इधर भी कथा चल रही है, कोई महाराज आए उधर भी नहीं, आधे लोग उधर रहते चैनल वालों के साथ। समझ लो कथा को, जरा कथा को समझ लीजिए ना, बहुत बड़े पापी को यमराज उठा के ले गए यमलोक में, यमराजों ने कहा तुझे नरक में रहना पड़ेगा 1000 बरस तक। पापी ने कहा महाराज आप कितना भी खतरनाक नरक दे दो मुझको, हर नरक मंजूर है,
पर एक ही रिक्वेस्ट है कि एक 4G और चार्जर साथ में दे दो, बस कहीं भी डाल दो, फिर कोई जरूरत नहीं नरक स्वर्ग की। इतना हाल बेहाल है मोबाइल की वजह से, नरक में डाल दो यमराज से कह रहा है, पर 4G और चार्जर जरूरत नहीं हमें किसी की। नरक में रह लूंगा पर हाथ में मोबाइल और चार्जर होना चाहिए। एक फिल्म का गाना याद आ गया, 40 साल पुराना। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, जिया में याद सताती है, पिया तेरी याद। यहाँ तक तो ठीक है फोन, पर यहाँ तक फोन चला गया कि फेरे भूल गई छोरी, शादी में आई हूं तो फेरे भी लेने पड़ेंगे, भूली पड़ी है। आज देवताओं ने जाकर देवों के देव महादेव को कहा, प्रभु आप जिनका नाम जप रहे हैं वो तो गोकुल में जाके पधरा हुए हैं महाराज, आप कहां निराकार का नाम जपने में लगे, वो तो गोकुल में पहुंच गए लाला बन के। जैसे ही शंकर भगवान को पता चला कि मेरे प्रभु ने बालक रूप धारण किया है, तो अब शंकर भगवान का चित्त भगवान के भजन में तनक भी लगता नहीं है महाराज। आप ही बताओ, आपकी पसंद की कोई चीज अगर आ जाए और आपको पता चल जाए तो आप दुनियादारी छोड़ देंगे उसके लिए, दौड़ पड़ो। आज शंकर भगवान के दिल दिमाग में जो बसे थे, आज वो दुनिया में आए तो काम धाम सब छोड़ दिया शंकर जी ने, ध्यान छोड़ दिया। पार्वती जी के पास पहुंचे और कहा, देवी अब हमें धरती लोक पर अर्जेंट जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहां हमारे प्रभु पधारे हैं। इसीलिए भाई बहनों हाथ जोड़ के कृपा से जरा कथा को समझ लो, 3 लोक 14 भवन हैं जहां सब जगह जीव रहते हैं, पर धरती लोक से महान लोक नहीं दुनिया में, जहां भगवान बार बार आया जाया करते हैं। बैकुंठ चले जाओ वहां भगवान आते जाते नहीं है। और आप समझ लेना, आने जाने वाली चीज अच्छी होती है, परमानेंट हो जाए तो मन हट जाता है। इसीलिए सारी महिलाओं से अनुरोध है कि मायके वालों के साथ में रिश्ता बराबर बनाए रखो, आने जाने से सेटिंग बनी रहती है। परमानेंट ससुराल की हो गई तो ये फिर बिंदे छोड़ेगा नहीं, तमाकू गुटका ये खाएगा। हाँ, छह महीने की ट्रेनिंग होती है मिलिट्री की, उस ट्रेनिंग में गांव से गया हुआ बच्चा लड़का जो है पूरा का पूरा है निशानेबाज हो जाता है ट्रेनिंग से, तो 6 महीने की ट्रेनिंग है। ज्यादा जल्दी जल्दी मायके भी जाना ठीक नहीं है, पर 6-6 महीने में तो जाना चाहिए। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महाभारत की कथा कह रही है। 6 महीने पहले भीष्म पितामह को मृत्यु आई, पर मौत को स्वीकार नहीं किया। 6 महीने के बाद जब उत्तरायण आया तब मौत को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि मायके जाना है, मायके माँ के घर जाना है। ये संसार ससुराल है, ये किसी का मायका बनने वाला भी नहीं है संसार। ओ भैया ओम जी, संसार ससुराल, संसार ससुराल है, यहाँ किसी के पैर हमेशा जमने वाले नहीं है। और आपसे भी अनुरोध, ससुराल में जैसे सास ससुर साले फाले से जितना भी लगाव है तुम्हारा टाइम पास, उतना ही संसार से लगाव होना, फिर कोई खतरा नहीं है। पर तुम्हारी मुश्किल क्या है? तुम्हारी मुश्किल यह है कि मामा बाबा मायके पियर से संबंध कमजोर और ससुराल से मजबूत संबंध है। हंसी हंसी में समझ लो, आजकल के जो लड़के हैं ना, लड़के ब्याह हो जाए ना ब्याह तो अपनी मैडम की मम्मी से मम्मी जी कहते हैं, पत्नी की माँ से क्या कहते हैं, मम्मी जी।
अब आइए ना मम्मी जी, पानी पी लीजिए मम्मी जी, मम्मी जी। और जिसने दुनिया भर के लेटरिन धो धो के पप्पा बनाया, उसको जी लगाने में खुद की मौत आ जाती है। बोलो, अपनी मम्मी को तो नहीं, मम्मा, ओ मम्मा। हाँ जी, पत्नी की मम्मी से मम्मी जी, और अपनी मम्मी से थोड़ा थोड़ा इशारे में समझाना पड़ेगा, जिससे बुद्धि ठिकाने पे आ जाए। अपनी पत्नी की मम्मी से मम्मी जी 100 बार कहो पसंद है हमको सम्मान, पर अपनी मम्मी से भी कभी कभी सुबह शाम एक बार तो जी लगा दो। है मोबाइल 4G होना पर मम्मी से जी और पापा से जी नहीं होना, बोलिए ना। कितने भी 4G ले लो, पर मम्मी पापा और गुरुजी को भी जरा याद रखो। इंटरनेट बंद हो जाए, रेंज चली जाए, तो मोबाइल काम का नहीं रहता, पर गुरुजी की रेंज कभी नहीं जाएगी। पकड़ के रखो, मामला फिट बैठेगा।